अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 2 पार्ट सेकंड का सिलेबस चल रहा है, और चैप्टर नंबर 2 में डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो है वो हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 37 में हमारी एक्सरसाइज 2.8 शुरू हुई थी। ये लेक्चर नंबर 38, इसमें हमने 2.8 को कम्प्लीट करना है। बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.8 है उसमें दो टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। एक मैकलॉरेंस सीरीज़ है और दूसरी टेलर सीरीज़ है। मैकलॉरेंस सीरीज़ हम लेक्चर नंबर 37 में डिस्कस कर चुके, अब ये टेलर सीरीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो टेलर सीरीज़ के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हैं वो सॉल्व होंगे। तो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले रिकॉल करवा दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस का जो ऑप्शन है वो ऑन कर दीजिएगा। और उसके बाद बच्चों, आपको एक और बात भी रिमाइंड करवा दूं कि आपकी वीडियो क्वालिटी जो है वो एटलीस्ट 360 रिक्वायर्ड है, 360 पॉइंट। और अगर आपके पास नेट अच्छा है या वाईफाई है तो आप 480 पर या 720 पर लेक्चर देखिएगा, फिर आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ हर वर्ड क्लियर दिखाई देगा। और बच्चों, आप लोगों ने 360 अगर रखना है तो फिर मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, और मोबाइल को तो हॉरिजॉन्टल करना ही करना है, फुल स्क्रीन करेंगे तो आपको सारा क्लियर दिखाई देगा। तो बच्चों, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जी अपनी टेलर सीरीज़ के टॉपिक को। तो बच्चों, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में, चूँकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने टेलर सीरीज़ इस्तेमाल करनी है, और टेलर सीरीज़ की जो निशानी है वो ये है कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट एच जो है वो अवेलेबल होगा, जिसको आपने देख कर ये अंडरस्टैंड करना है कि ये टेलर सीरीज़ का क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो टेलर सीरीज़ है वो किस तरह की है ये देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें, टेलर्स सीरीज़, बच्चों मैकलॉरन सीरीज़ में क्या था, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स था, इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, और ये बराबर होता है किसके, एफ ऑफ एक्स के प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स डैश प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू एफ ऑफ एक्स डबल डैश। अब ज़रा नोट कर लीजिएगा, मैकलॉरेंस में यहाँ पर ना एक्स की जगह पर सारा ज़ीरो आ रहा था, लेकिन टेलर्स में एक्स ही आता है, इसमें ज़ीरो नहीं पुट करते। तो ये कंपैरेटिवली इसमें जो है वो काम थोड़ा सा कम होता है, इसमें काम ज़्यादा नहीं होता टेलर्स में। इसमें जस्ट डेरिवेटिव लेने होते हैं, वैल्यूज पुट करके और आंसर निकालना होता है। तो बस इसके बाद आपने करना है जी अगली टर्म, ये हो जाएगा एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड एफ ऑफ एक्स ट्रिपल डैश एंड अप टू सो ऑन। ये इसी तरीके से सिलसिला चलता जाएगा। तो बच्चों, अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो देखिए ये दोनों सवाल बहुत अहम है। ये दोनों सवालों में से अक्सर कोई एक आध क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में आ जाता है, तो इसलिए इनको मार्क भी कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको बच्चों आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच के साथ कंसीडर कर लेना है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वो क्या बन रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच के बराबर बन रही है। अब हमें चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स पहले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी रिप्लेस एक्स प्लस एच बाय एक्स। इसका मतलब है जहाँ जहाँ एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच को हटा दें और वहाँ पे क्या लिख दें, एक्स लिख दें। तो ये बन जाएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आपने क्या करना है जी फर्दर, अब आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स तो हासिल हो चुका, डेरिवेटिव चाहिए एफ ऑफ एक्स का, तो डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए, बहुत आसान काम है। देखें एफ ऑफ एक्स डैश इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स डबल डैश क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स ट्रिपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, और माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन में एक्स प्लस एच की जगह एक्स रिप्लेस किया और 3 डेरिवेटिव्स हासिल कर लिए।
अब उठाकर आपने ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी और आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह हो जाएगा कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स डैश की जगह माइनस साइन एक्स पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस करके एच इन टू ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स डबल डैश की जगह माइनस कॉस एक्स पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस करके एच स्क्वायर ओवर हो जाएगा टू फैक्टोरियल इन टू हो जाएगा कॉस एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स ट्रिपल डैश की वैल्यू साइन एक्स पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा एच क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल इन टू साइन एक्स एंड अप टू सो ऑन। तो बच्चों देखें आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, खुद बखुद प्रूव हो गई। अच्छा इस सवाल के अंदर एक स्टेप और आपसे पूछा हुआ है और कहा हुआ है वैल्यू एट, आपने कॉस 61 डिग्री को इवेल्यूएट करना है, तो आप कैसे इवेल्यूएट करोगे। तो बच्चों आप लोगों ने एक स्टेप लेना है बहुत छोटा सा और वो ये है कि पुट करना है एक्स की जगह पर 60 डिग्री को, यहाँ पे 61 डिग्री चाहिए ना, तो एक्स की जगह 60 डिग्री पुट करना है और एच की जगह पर आपने 1 डिग्री पुट करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री प्लस हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू कॉस हो जाएगा 60 डिग्री माइनस, यहाँ पर जब बच्चों एच की बारी आएगी तो एच में आप 1 डिग्री यहाँ पर नहीं पुट कर सकते, तो आपने फिर क्या करना है, आपने 1 डिग्री को रिप्लेस करना है रेडियंस में, तो 0.01745 रेडियंस जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपने एच की जगह पुट करना है 0.01745 इनटू साइन एक्स की जगह हो जाएगा 60 डिग्री माइनस, ये हो जाएगा एच, एच की वैल्यू है 0.01745 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू कॉस हो जाएगा 60 डिग्री एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ से आगे बच्चों मैं तो सॉल्व नहीं करूँगा, आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इधर तो हो जाएगा ना सीधा सीधा कॉस 61 डिग्री और राइट साइड जो है फिर वो आपने कैलकुलेटर संभाल लेना है और कैलकुलेटर से आपने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख देना है, तो यहाँ से आगे कैलकुलेटर यूज़ होगा। तो ये था बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक कि कंपैरेटिवली आपको ये बहुत आसान लगा होगा मैकलॉरेंस की निस्बत, क्योंकि मैकलॉरेंस में ना डेरिवेटिव्स मालूम करके उनमें ज़ीरो पुट करना पड़ता है, इसमें ज़ीरो नहीं पुट करना, जस्ट डेरिवेटिव लेने हैं, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है 2^x + h, ये सारा इसके बराबर है और इसमें चूंकि x प्लस एच आ गया तो डेफिनेटली टेलर सीरीज इस्तेमाल होगी, इसलिए मैंने पिछला क्वेश्चन क्लियर करने से पहले यहाँ पर देखें मैंने टेलर सीरीज़ का जो फार्मूला था वो मैंने रिमूव नहीं किया। तो अब इसको प्रूफ कैसे करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आपने सॉल्यूशन में देखो बच्चों लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू 2^x + h, लेफ्ट साइड को आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच कंसिडर कर लिया, फिर आपने करना है रिप्लेस एक्स प्लस एच बाय एक्स, तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2^x। अब लेने हैं बच्चों इसके डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लेने के लिए ना मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, तो इस टेक्निक को ज़रा आपने जहन में रखना है। टेक्निक ये है कि जी अगर आपके पास डेरिवेटिव हो जाए a^x का, तो ये फार्मूला है इसको आपने याद रख लेना है, a^x का डेरिवेटिव क्या होता है, a^x एज इट इज़ फर्दर लॉग नेचुरल a, ये होता है जी हमारे पास a^x का डेरिवेटिव। और यहाँ पर देखें a की कीमत क्या है, 2 है, a की क्या वैल्यू है, 2 है, तो 2^x है, आपने क्या करना है इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2^x, तो बच्चों ज़रा अक्लमंद बनो, ये 2^x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आंसर होगा 2^x एज इट इज़ फर्दर
log natural a लिखना है ना, तो a की कीमत 2 है, तो log natural 2 हो जाएगा। जी बच्चों, बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। अब जब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, देखो log natural 2 जो है ये इस वक्त एज ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और आपको पता है डेरिवेटिव जब लेते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं log natural 2 और डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ 2 raise to power x का। तो बच्चों जब आप 2 raise to power x का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो देखो ये वाला पहला जो log natural 2 है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, वो हो जाएगा 2 raise to power x log natural 2। अब ये log natural 2 और ये log natural 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा log natural 2 square into 2 raise to the power x। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये ज़रा बच्चे टेक्निकल बात है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। अब आपने लेना है इसका तीसरा डेरिवेटिव। तो बच्चों तीसरा डेरिवेटिव भी यही प्रोसेस है, log natural 2 का स्क्वायर पहले लिख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू पावर x हो जाएगा, फिर आप लिखेंगे log natural 2 स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इंटू log natural 2 और ये लिखा जाएगा log natural 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू द पावर x एंड अप टू सो ऑन। तो अब आपने तीन चार डेरिवेटिव्स मालूम कर लिए, फार्मूले में जस्ट वैल्यूज लिखनी है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके बराबर है, 2 रेज टू पावर x प्लस एच के बराबर है। एफ ऑफ एक्स की कीमत क्या लिखी हुई है, 2 रेज टू पावर x प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स डैश की कीमत क्या लिखी हुई है, log natural 2 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस ये हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स डबल डैश की वैल्यू लिखी हुई है log natural 2 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ऑफ एक्स ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, log natural 2 क्यूब इंटू 2 रेज टू पावर x एंड अप टू सो ऑन। तो बच्चों अब ज़रा गौर से देखो, सब में से 2 रेज टू पावर x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 2 रेज टू पावर x को आप बाहर कॉमन निकालोगे तो इसकी जगह 1 प्लस एच इंटू log natural 2 हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू log natural 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू log natural 2 क्यूब हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। सो दिस इज़ द आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बच्चों बहुत अहम सवाल था और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है, मेरी बातों को गौर से सुनना है। अगर ना समझ आए तो थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा, तो इसको समझ के आपने अच्छी तरह काम करके ख़त्म करना है। अच्छा बच्चों, अब अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन मेरे लिए है, ऑल नोटिफिकेशन का जो ऑन करेंगे वो बच्चों आपके लिए है। बाकी इसका अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लिंक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, दोस्तों को इसका लिंक ज़रूर सेंड कीजिए ताकि किसी का फ़ायदा हो। तो बच्चों थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।